प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. फर्स्ट वन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. मीन्स किस बेसिस पे हमारा मोनोमर पॉलीमर बनता है, ये उसकी क्लासिफिकेशन है. देयरफॉर वी कैन से दैट पॉलीमराइजेशन इज द फंडामेंटल प्रोसेस by which low molecular mass compounds are converted into high molecular masses or weight. इस तरह से होता है. Therefore, we can write here low molecular mass material. ये convert होता है किसमें? High molecular mass में. इसके basis पर जब हम रखते हैं इसे under some condition. फर्स्ट वन, इफ वी टेक हाई टेम्परेचर और इफ वी टेक हाई प्रेशर या इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. अगर हम लेते हैं लो मॉलिक्यूलर मटेरियल को, या हम यहाँ कह सकते हैं इफ वी टेक मोनोमर्स, देन इस मोनोमर्स को रखते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को ज्यादा कर दो, या अंडर अ हाई प्रेशर, या हम यूज करेंगे वन कैटलिस्ट इस मोनोमर से पॉलीमर को और हाई मॉलिक्यूलर मास को प्रोड्यूस करने के लिए. मॉलिक्यूलर मास मटेरियल, इट मीन्स दैट वी कैन प्रिपेयर पॉलीमर्स जब इन तमाम कंडीशंस को फॉलो करेंगे. तो इन तमाम कंडीशन को फॉलो करने के लिए इस क्लासिफिकेशन में, किसके क्लासिफिकेशन में, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमें थ्री स्टेप देते हैं. फर्स्ट वन देते हैं हमें नंबर ए, एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इसे हम कहेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट वन रहता है इसकी स्टेप कंडेंसेशन. इस बेसिस पर भी हम मोनोमर को, मीन्स लो मॉलिकुलर मास को हाई मॉलिकुलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमें लेना पड़ेगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. एंड थर्ड वन रहता है रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. अलग अलग रहता है. जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, ऐड होते हैं, मींस ये किसी न किसी बॉन्ड के फॉर्म में ऐड होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सेकंड वर्ड रहता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मींस इसमें स्टेप्स रहेगा, है ना. इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. एंड लास्ट वन रहता है रिंग ओपनिंग पॉलीमर, मीन्स अगर हमारा जो मोनोमर है रिंग के फॉर्म है, तो इस रिंग को ओपन करेंगे सम मेथड के बेसिस पर, तो दैट मोनोमर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स. तो ये तमाम कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट वन देखते हैं हम, हमारा नंबर वन था एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन. दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. देन इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. इसमें लेते हैं मोस्टली इसमें सम कंपाउंड्स रहते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड undergoes addition polymerization. कौन सा कंपाउंड जिसमें क्या फॉर्म होता है, जो कंपाउंड किससे बनता है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड से, तो दैट पर्टिकुलर मोनोमर कैन कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. मीन्स ये मोनोमर कंबाइन होंगे एंड देन दे फॉर्म पॉलीमर्स. इसमें मोस्टली आता है विनिल क्लोराइड, अगेन डबल बॉन्ड रहते हैं, मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस वन इज कॉल्ड एज विनिल क्लोराइड. नेक्स्ट वन रहता है एक्रिलोनाइट्राइल,
एक्रिलो नाइट्राइल, देन एग्जांपल के एक्रिलो नाइट्राइल की सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन, दिस वन इज द एक्रिलो नाइट्राइल सी एन सी। इससे जो ये मोनोमर्स है, इन मोनोमर्स में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, देयरफॉर इसकी पॉलीमराइजेशन किसके बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखते हैं इसमें ये भी स्टेप वाइज रहती पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट जो रहती इसकी स्टेप, ये देगा हमें स्टेप नंबर वन। इस स्टेप का नाम दिया गया है चेन इनिशिएशन, मीन्स किसी चीज को इनिशिएट करना। तो द चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ फ्री रेडिकल। सिंपल ऑन, हम स्टेप फर्स्ट में क्या फॉर्म करेंगे? जो हमारे पास ये विनिल क्लोराइड एंड एक्रिलो नाइट्राइल, तो इन मोनोमर से हम फर्स्ट जाएगा चेन इनिशिएशन, इसमें हम फ्री रेडिकल को फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? फ्री रेडिकल। इसमें अगर लेते हैं हम एग्जांपल, फ्री रेडिकल्स मोस्टली किससे बनते हैं? मोस्टली बनते हैं बेंजोइल परऑक्साइड से, ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एसिटिल परऑक्साइड, एसिटिल परऑक्साइड ये भी फ्री रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं, और टर्शियरी ब्यूटिल परऑक्साइड ये भी क्या फॉर्म करते हैं? फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी चेन इनिशिएशन। अब देखते हैं किस तरह से हम एसिटिल परऑक्साइड से मिथिल रेडिकल को फॉर्म करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? रेडिकल का फॉर्मेशन। हम देते हैं एग्जांपल एसिटिल परऑक्साइड की, फॉर्मूला क्या एसिटिल परऑक्साइड का? इसका फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ अगेन ओ अगेन ओ, देयरफॉर वी कैन राइट हियर सी एच थ्री। ये होता है हमारा एसिटिल परऑक्साइड। होता है क्या ये बहुत आर एसिटिल ग्रुप है, अगेन ओ टू मीन्स परऑक्साइड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एसिटिल परऑक्साइड, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करेंगे। देखते किस तरह से, अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या बनता है? विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बनता है। अब ये दो, जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इस तरह से इसको ब्रेक कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ब्रेक होता है? कहाँ जाता है? इस ऑक्सीजन पर। एंड नेक्स्ट वन किस तरफ जाता है? इस ऑक्सीजन पर। तो ये क्या देगा हमें? दो फ्री रेडिकल देगा। देखते हैं हम, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? इस ऑक्सीजन पर, ये फॉर्म कर देगा फ्री रेडिकल। अगेन ये इलेक्ट्रॉन जो था, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ था, इस तरफ आता है, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? फ्री रेडिकल। देयरफॉर वी कैन राइट हियर टू सी एच थ्री अगेन सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ, ये होता है टू टाइम्स, इस तरफ होता है अगेन इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? टू टाइम्स बॉन्ड फॉर्म होता है ये फ्री रेडिकल अगेन। अब देखते हैं जब ये रेडिकल इस बॉन्ड पर आते हैं, देखते हैं आप लोग एरो में किस तरह से यूज कर रही हूँ, ये एरो मैं इस तरफ नहीं यूज कर, बस मैं एरो क्या कर रही है, इस एरो को इस तरफ हाफ ले रही हूँ। मीन्स ये एरो क्या रहता है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रहते हैं, बट ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए रहते हैं? ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये क्या देता है हमें? फ्री रेडिकल देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये बॉन्ड किस तरफ आया, इस बॉन्ड पर आया, अगेन ये बॉन्ड भी क्या बनता है? दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इसमें जो आता है एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इस बॉन्ड पर जाते हैं। मीन्स इस बॉन्ड पर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पहला, अगेन इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म हो जाएगा? वन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगेन इस बॉन्ड पर जो था एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? इस ग्रुप पर जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, अब देखते हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं? हियर सी एच थ्री रेडिकल बनता है अगेन। अब देखते हैं इस तरफ, ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ का आया, अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ का था? ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो क्या फॉर्म कर दे? ये एक बॉन्ड फॉर्म करा, मीन्स क्या मिला हमें यहाँ पर? कार्बन, हियर डबल बॉन्ड ओ, अगेन ये क्या हुआ? पहले का एक बॉन्ड था, अगेन ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, ये रेडिकल क्या फॉर्म हुआ? ऑक्सीजन। मीन्स क्या मिल गया? ये टू मोल ऑफ मिथिल फ्री रेडिकल एंड टू मोल ऑफ, ये क्या हो गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई, ये क्या निकल गई? रिमूव हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं
ये क्या हुआ हमारा मिथिल रेडिकल बनता है। इस स्टेप को क्या कहते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप, मीन्स क्या फॉर्म होता है यहाँ पर एक फ्री रेडिकल मिलता है। ये अरबी क्या राइट ईयर मिथिल रेडिकल। अब देखते हैं ये रहते हैं फ्री रेडिकल अगेन, ये क्या देगा ये इसी स्टेप में फॉर एग्जाम्पल इसे हम लिख सकते हैं आर रेडिकल लिख सकते हैं मिथिल को, देयर फोर वी कैन राइट हियर दिस मिथिल इज नथिंग बट आर रेडिकल। इसे हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल कह सकते हैं। जब ये किससे रिएक्ट करता है विनिल क्लोराइड से, मीन्स किससे रिएक्ट करता है ये मोनोमर से। मोनोमर क्या हुआ हियर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच वाई, ये हुआ। अगेन देखते हैं ये रेडिकल, रेडिकल कहाँ पर जाता है इस कार्बन पर जाते हैं। अगेन ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पर जाते हैं एक इस कार्बन पर आता है। अगेन सेकंड वन कहाँ पर आता है ये इस कार्बन पर आता है। देखते हैं क्या फॉर्म होता है, देन दे फॉर्म आर बॉन्ड फॉर्म करा है। अगेन ये जो इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया मीन्स कार्बन पर लगा एक इलेक्ट्रॉन, अगेन ये आर का इलेक्ट्रॉन ये क्या फॉर्म करेगा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, अगेन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ये क्या फॉर्म कर दिया बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म हुआ ये आर, देन सी एच टू एज इट इज इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था कहाँ पर इस तरफ से एक बॉन्ड, इससे बॉन्ड फॉर्म हुआ। अगेन ये फ्री रेडिकल किस कार्बन पर गया इस कार्बन पर, क्या बच गया यहाँ पर सी एच वाई। समझ में आती है ये होता है हमारा न्यू रेडिकल फॉर्म हुआ किस तरह से। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं सेकंड स्टेप क्या थी हमारी चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये हुई हमारी सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड क्या नाम है इसका चेन प्रोपोगेशन। पता है इस स्टेप में क्या होता है हमारे पास जो था ये जो न्यू रेडिकल हमने फॉर्म किया, क्या न्यू रेडिकल था हमारा आर सी एच टू सी एच वाई, ये था न्यू रेडिकल हमारा। दिस न्यू रेडिकल जब अगेन रिएक्ट करते किससे सेम मोनोमर से, हमारा मोनोमर क्या था सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच वाई ये था, ये हमारा हुआ न्यू रेडिकल। अगेन ये हमारा क्या था मोनोमर था विनिल मोनोमर, हमारा विनिल मोनोमर था इस तरह से रिएक्ट करेगा, देन दे फॉर्म क्या फॉर्म करेगा ये चेन प्रोपोगेट करेगा एक लंबी चेन फॉर्म करेगा। देखते किस तरह से चेन बनती है ये आर आर सी एच टू सी एच वाई किस तरह कंबाइन होगा इससे कंबाइन होगा, देन दे फॉर्म देखते किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये आर अगेन देन दिस वन इज सी एच टू अगेन सी एच वाई है। अब ये रेडिकल क्या करता है चेन फॉर्म करता है किस तरह से, ये चेन फॉर्म हो जाएगी ये इन नंबर से, देन दे फॉर्म हियर ये सी एच टू अगेन ये फ्री रेडिकल इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा फॉर्म करेगा सी एच वाई रेडिकल। दिस वन इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन बनता है ये। देखते हैं इस स्टेप में क्या होता है ये चेन प्रोपोगेशन मीन्स जो रहते हैं ये रेडिकल ये अगेन ये क्या फॉर्म होता है स्टिल बिगर रेडिकल फॉर्म हो जाते हैं किस स्टेप में चेन प्रोपोगेशन स्टेप में। अब देखते हैं थर्ड स्टेप हमारी रहती है स्टेप थर्ड, इस स्टेप में नाम दिया गया चेन टर्मिनेशन। स्टेप में क्या होता है हमारा रहता है बिगर साइज रेडिकल मीन्स चेन प्रोपोगेशन जो प्रोड्यूस हुआ इसे हम लेते हैं ये दिस वन इज अवर आर देन सी एच टू सी एच वाई एन टाइम्स था अगेन बॉन्ड फॉर्म हुआ सी एच टू सी एच वाई ये सम एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन ये न्यू रेडिकल से कहिए बिगर रेडिकल फॉर्म हुई विद हेल्प ऑफ चेन प्रोपोगेशन। इसे हम लेते टू टाइम्स लेते हैं ये इस चेन रेडिकल को, देन दे स्लाइटली मूव मीन्स अल्टीमेटली क्या होता है ये एट सम स्टेज टर्मिनेशन ऑफ द ग्रोइंग चेन टेक्स प्लेस इट मे ऑकर बाय सेवरल प्रोसेसेस
on mode of termination is by combination of the two growing radicals. ये क्या करते हैं, हमें terminate करते हैं two growing radicals में, जिससे हम क्या easily form करते हैं polymer. इस तरह से step हो जाती है ये, और ये R again here CH2, then this one is a CHY. ये क्या हो जाता है, ये पॉलीमर के फॉर्म होता है. मीन्स स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसमें एन प्लस वन, ये प्लस वन होता जाता है अगेन, देन दे फॉर्म, इसी से कंबाइंड होते हैं ये सी एच वाई अगेन हियर दिस वन इज अ सी एच टू, टू टाइम्स था तो इससे भी क्या फॉर्म होता है, इससे भी क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, आर इससे बॉन्ड फॉर्म करता है. देन दिस स्टेप अगेन ये भी क्या रह गई है, ये भी रहेगा हमारा एन प्लस वन टाइम्स, क्योंकि हम क्या कर रही है, कंटिन्यू पॉलीमर्स फॉर्म होते जा रहे हैं. दिस वन इज एन प्लस वन टाइम, तो इस स्टेप को कहते हैं हम, दिस वन इज नथिंग बट आवर पॉलीमर. तो इस थ्री स्टेप में हम क्या करते हैं, पॉलीमर को फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट वन थी हमारी स्टेप, एंड देन सेकंड वन इज चेन प्रोपोगेशन, एंड थर्ड वन क्या था, चेन टर्मिनेशन, मीन से टर्मिनेट हो जाते हैं. किस तरह से ये आर इससे कंबाइंड हो जाता है सी एच टू सी एच वाई से, अगेन दिस आर अगेन किससे रिएक्ट करता है, इससे बॉन्ड फॉर्म करता है. देन दे फॉर्म सी एच सी एच वाई सी एच टू इन प्लस वन टाइम्स होते हैं आर, ये क्या फॉर्म होता है, पॉलीमर. सेकंड नंबर भी हमारा क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन था. जिस टाइम में कहते हैं कंडेंस हो जाते हैं, इनसे इकट्ठा हो जाते हैं. किस फॉर्म से, इफ यू टेक इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या लेते हैं हम, इथिलीन ग्लाइकोल, एन नंबर लेते हैं इसका, एन टाइम्स लेते हैं सी एच टू अगेन सी एच टू ओ एच. सो इज द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. अगेन जब ये रिएक्ट करते हैं किससे, टेरिफ्थैलिक एसिड से, ये भी लेते हैं हम एन टाइम्स, दिस वन इज अवर टेरिफ्थैलिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर ये टेरिफ्थैलिक एसिड, इससे क्या रिमूव होगा, इससे रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल्स. अगेन ये बोथ आर एन टाइम्स, देन इससे रिमूव होगा एन टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल. सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इस ग्लाइकोल से रिमूव होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इस एसिड से रिमूव होगा हाइड्रोजन ग्रुप. सच रिमूव होगा एन टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, देन दे फॉर्म इन दिस बेसिस पे. जब ये एच टू निकल जाएगा कितने आते हैं, टू ऑक्सीजन आते हैं. मीन्स जब इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक एसिड से रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल, देन दे फॉर्म ईस्टर लिंक. किसका फॉर्म होगी इसकी, ईस्टर लिंक देखते हैं हम यहाँ पर, ये एज इट इज अगेन दिस वन इज अवर सी एच टू अगेन हियर सी एच टू ओ एच रिमूव हो गया. ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किससे, इस ऑक्सीजन से. अगेन हियर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन किससे मिलता है ये बेंजीन रिंग. अगेन ये बेंजीन रिंग कितने टाइम्स रहेगी, ये एन टाइम्स रहेगा. क्या बचते हैं यहां पर, कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ एच, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. क्या फॉर्म हुई है हमारा, दिस लिंकेज, दिस लिंक इज कॉल्ड एज ईस्टर लिंक. क्या फॉर्म करेगा ये, ईस्टर लिंक, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज टेरिलीन कहलाएगा ये, या हम इसे कह सकते हैं डायक्रोन. तो ये देखो कंडेंसेशन, टू रिएक्टेंस लेंगे हम, फॉर्म करेंगे पॉलीमर, इस पॉलीमर में फॉर्म हो जाएगा ईस्टर लिंक के बेसिस पे, ये पॉलीमर फॉर्म होगा. और अगर ये लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल टेरिफ्थैलिक एसिड, हमें फॉर्म होगा डायक्रोन पॉलीमर, और दिस डायक्रोन पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरिलीन. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, देन द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. मीन्स साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक लैक्टम्स, लैक्टम्स क्या है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड्स है. और इफ यू टेक साइक्लिक ईथर, या क्या ले सकते हैं, लैक्टोन्स, ये सब क्या है, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं. इन साइक्लिक कंपाउंड से अगर
पॉलीमराइज होते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड, तो इसकी रिंग जो रहती है ये साइक्लिक मींस रिंग फॉर्मेशन, इसकी रिंग ओपन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, देन दे कैटेलाइज एंड फॉर्म पॉलीमराइजेशन। देखते किस तरह से होते हैं ये। इफ वी टेक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ईटा कैप्रोलेक्टम, ये हमारा क्या हुआ, ये दिस वन इज यार एनएच देन कार्बोनिल ग्रुप, ये होता है हमारा अल्फा बीटा गामा थीटा, और ये क्या हुआ हमारा ईटा। इसमें क्या होता है ये पॉलीमराइजेशन ऑफ ईटा कैप्रोलेक्टम, से हम लिख सकते हैं इसका नाम कैप्रोलेक्टम। इस तरह से होता है, इसके अंदर रखते हैं हम ये रिंग को पूरा ओपन कर देगा, क्या करेगा ये पूरी रिंग ओपन होती है। देख किस तरह से रिंग ओपन होती है, फर्स्ट वन लेते हैं हम एनएच हियर एनएच, अब देखते हैं आप लोग यहाँ पे देखे ना ये ईटा, ये हुआ कार्बन ग्रुप है ना सी एच टू, सी एच टू ये 1 2 3 4 5 मींस क्या हमारे पास आया सी एच टू कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, अगेन ये 5 टाइम्स किससे कंबाइंड हुए इस कार्बोनिल ग्रुप से। अगर हम इस रिंग को ओपन कर देंगे, इस साइक्लिक कंपाउंड को इफ वी ओपन कर देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये पॉलीमराइज हो जाएगा, मीन्स ये एन टाइम्स हो जाएगा। देयरफॉर एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर रिजल्टिंग फ्रॉम रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन इज सेम एज दैट ऑफ द मोनोमर एज इन द केस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इस साइक्लिक कंपाउंड से हम इजिली क्या फॉर्म कर सकते हैं, इससे हम पॉलीमराइज करके पॉलीमर को फॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक लैक्टम्स, साइक्लिक ईथर्स और लैक्टोन्स पॉलीमराइज बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैटालाइज दिस रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ईटा कैप्रोलैक्टम।